धारचूला के एलदारा में केवल मशीन की तरह बोल्डर तोड़ने का कार्य हो रहा है, उसके उपरांत कोई भी अन्य कार्य नहीं होना कहीं न कहीं प्रशासन का फेलियर नजर आ रहा है। हो सकता है कि आगामी बरसात तक प्रशासन उक्त पत्थरों को ही तोड़ता रहे और स्थानीय स्तर पर मलवा धारचूला के बाजार को फिर से पट जाए या पाट दे। अगर आप देखेंगे मल्ली बाजार के पास हमारा काम चल रहा है, बट हमारा जो अपर स्लोप वाला जो काम है उसमें अभी थोड़ी देर के लिए थोड़े कुछ दिनों से वो काम नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां पे बोर होल टेस्ट होना है। वो बोर होल टेस्ट के लिए टीम्स लगी हैं, कल मैंने भी विजिट किया था, तो होपफुली बोर होल टेस्ट जितना जल्दी हो जाएगा उससे हमारी एंकर डेप्थ जो वहाँ डलनी है वो आ जाएगी। तो उससे पहले जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स है, मैंने इरिगेशन वालों से बातचीत की, तो हम उन्हीं प्रोटेक्टिव मेजर्स के ऊपर काम करेंगे जिससे कि इस बार की आपदा में कोई दिक्कत किसी को ना हो पाए। परंतु जैसे ही बोर होल टेस्ट हो जाएगा हम उसके नेक्स्ट स्टेप्स भी जो है हमारा जो फाइनल स्लोप स्टेबिलाइजेशन वर्क्स है उन पर भी काम करेंगे। आरव भारद्वाज ने की साइकिल यात्रा, नेशनल मेमोरियल वार गुरु तक साइकिल यात्रा करने वाले आरव भारद्वाज पहुंचे धारचूला और उन्होंने बताया कि मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में और 75वीं वर्षगांठ जो भारत में मनाई जा रही है अमृत महोत्सव के रूप में उसके उपलक्ष्य में साइकिल यात्रा की और साइकिल यात्रा करने के उपरांत मैं अब आदि कैलाश की यात्रा के लिए भी धारचूला से जा रहा हूँ। आरव भारद्वाज 11 साल के होनहार नव युवक है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड बचाओ यात्रा पहुंची धारचूला। धारचूला पहुंचने पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रमेश दलाल केंद्रीय महामंत्री द्वारा उनका स्वागत किया गया। उत्तराखंड बचाओ रथ यात्रा में शामिल उत्तराखंड क्रांति दल के समस्त पदाधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अपने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार बेरोजगारों का हरण कर रही है, उनको रोजगार देने के नाम पे नकल कराकर परीक्षाएं कराने का कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दे उत्तराखंड में उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के कांड में जो वीआईपी का नाम है वो भी कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। इस सरकार पर उन्होंने लगातार आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल को अगर जनता समर्थन देगी तो आने वाले समय में जिस मुद्दे के लिए हमारा उत्तराखंड राज्य बना था उस पर हम कार्य करेंगे। साथ ही धारचूला के ठेकेदार नानू चंद ने भी उत्तराखंड क्रांति दल का दामन आज धारचूला में थाम लिया है। राज्य बनाया, एरी जी ने इस राज्य के लिए बहुत तपस्या की और आज उत्तराखंड राज्य उनके बदौलत बना हुआ है। ठीक है, आज उनके बदौलत अगर राज्य बना है तो उनको श्रेय नहीं मिला। मैं उत्तराखंड वासियों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आज जिसने उत्तराखंड अलग बनाकर तुम्हें अपना राज्य का दर्जा दिया है उनको सपोर्ट कीजिए और उनके साथ मिलकर उनको उनको धन्यवाद करके उनको सपोर्ट। ये हमारी रथ यात्रा चल रही है, हल्द्वानी से 26 तारीख को ये यात्रा रवाना हुई और 31 तारीख को इसका रामनगर समापन होगा। ये रामनगर ये जो यात्रा है ये कुमाऊं के विभिन्न हिस्सों में जा रही है। आज ये धारचूला पहुंची है और धारचूला में इसका
बड़ा अपार जन समर्थन मिला है। हमारे संग बुजुर्ग और नेता है, हमारे केंद्रीय मंत्री थराल साहब है। अब ये यात्रा का मकसद यह है, पहाड़ उत्तराखंड बचाओ। उत्तराखंड बचाओ का मतलब यह है कि ये जो लूट रहे हैं इस राज्य को, जो सरकार है, जो दिल्ली से और नागपुर से संचालित होती है, इनसे बचाओ। यहाँ के लोग रोजगार मांग रहे हैं तो आप उनके लठियां बरसा दे रहे हो, उनके सर फोड़ दे रहे हो, उनके गैंगस्टर लगा दे रहे हो। और जो राजस्थान के लोग हैं उनको आप यहाँ नौकरी दे रहे हो। आप बिजनौर के लोगों को, बिजनौर के लोगों को आपने मूल निवास बना दिया भाई, उसको यहाँ नौकरी दी, और यहाँ के लोगों को बाहर भेज रहे हो। हल्द्वानी के अंदर सिडगुल जो बना है वो बना था केवल पहाड़ के लोगों को की रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड वासियों को। वहां पर एक उत्तराखंड वासी नहीं है, और उत्तराखंड वासी है भी तो डेली वेज में 8-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, और उनके ऊपर हाईकमान जो है वो सब दूसरे राज्यों के आए हुए हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल ये हम ये मांग भी करते हैं, और ये हम कहना भी चाहते हैं कि उत्तराखंड वासियों के लिए 80% आरक्षण हो और उनकी परमानेंट नौकरी लगाई जाए। और नहीं तो हम जब उत्तराखंड क्रांति दल पावर में आएगा या हम सत्ता में आएंगे तो हम ये व्यवस्थाओं को सब ठीक करेंगे। आज राजधानी गैरसैंण का मुद्दा है, इतना साल हो गए गैरसैंण को लटका रखा इन्होंने, नकली राजधानी देहरादून की है, उसको ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उत्तराखंड के अंदर भू माफियाओं का राज हो गया, हमारी जमीनें पूरी खरीद दी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल और स्थानीय निवासी बोल रहे हैं कि भाई अनुच्छेद 300 के तहत लागू करो, भू कानून लागू करो, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजों को मांग को लेकर हम जनता को जागृत कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का हमको जन समर्थन मिला है और स्थानीय जनता का भी जन समर्थन मिला है। अभी यात्रा हमारी चालू रहेंगी हमेशा, जब तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं होते हैं। और तो और ये देख लीजिए, अगर इस राज्य में उत्तराखंड क्रांति दल नहीं आता है तो ये राज्य बचने वाला नहीं है, ये बाहर वालों ने पूरा बेच दिया है राज्य। ये हमारा कहना है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL News।